हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। बोल पहली है, ये हमारा 10x9 का एरिया है। अच्छा, ये तो 10x9 का एरिया कवर किया हुआ है। आपका कोई भी एरिया कवर कर सकते हैं। माइका तो है यही, साथ में आपको बहुत अच्छा प्यारा बॉक्स फ्रंट ओपनिंग हो गया, सामने से बोलता हूँ। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि ऐसे स्टिचिंग वो वाला बेड लेने जाते हैं तो एक बार देखना चाहिए कि स्टिचिंग सारी सीधी है, कोई धागा निकल तो नहीं रहा। कोई भी डिजाइन हमारे यहाँ का 48 घंटे में हम आपको डिलीवर करते हैं। अच्छा, कोई भी फर्नीचर? कोई भी फर्नीचर, डाइनिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल, बेड, सोफा, कुछ भी 48 घंटे में डिलीवर करते हैं। मेरे को ये बहुत पसंद आई, आपने भी छुपा रहे। आप कह रहे थे थोड़ा शुरू से बोलो। ये हम उनको बेड देते हैं कंप्लीट 18,000 4,000 रुपये की एक चेयर मिल जाएगी। ये बेड बहुत है, ये तो मतलब वो होता है कि चलता ही रहता है। इसके हम जो है ना, इसके ऑर्डर भी पूरे नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये वीडियो अभी जो स्टोर वाले देख रहे हैं ना, वो भी आपसे माल लेते हैं? बहुत से बिल्कुल लेते हैं। क्वेश्चन होता है, कंप्लीट हम यहाँ पे करते हैं। नमस्कार, मैं पुनीत और आप देख रहे हैं एनएल फर्नीचर। तो जैसे आपने देखा, आज हम हैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जो कि बहुत से स्टोर में फर्नीचर देते हैं, और मैं आज गारंटी लेता हूँ ऐसे प्राइस इस क्वालिटी में आपको कभी नहीं मिले होंगे। और आज एक ऐसा ऑफर भी मिलेगा कि जिससे आपको आपके टोटल बिल पर फ्लैट 50% ऑफ मिल सकता है। तो चलिए आपको मिलाते हैं स्टोर के ओनर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया पुनीत भैया, आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर जी। तो कुछ बताइए अपने और अपनी इस फैक्ट्री के बारे में। फैक्ट्री के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा नाम है फरमान और ये फैक्ट्री है फरमान फर्नीचर के नाम से। आप इसको स्टोर भी कह सकते हो, फैक्ट्री भी कर सकते हो। ठीक है, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मिल रहा है। अपनी फैक्ट्री क्या होता है, कि कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं, किस तरीके का फर्नीचर होता है? मेरी फैमिली वगैरह, तो मेरे जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो तो काम कर रहे हैं यहाँ पे सन 94 से कर रहे हैं। 94 से। और मैं यहाँ पे आया था सन 2006 में। ठीक है, तो मैं सन 2006 से ये काम संभाला हुआ है। अब पापा रहते हैं घर पे, मैंने ये बिजनेस संभाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। किस किस तरीके का फर्नीचर होता है, जैसे हमें दिख रहा है अभी? आप किसी भी फर्नीचर में, होम फर्नीचर में डील कर सकते हो, बेड, सोफा, डाइनिंग। अच्छा, ड्रेसिंग, कोई भी आप हाई बैक चेयर, बेडरूम चेयर, कोई भी आप किसी भी चीज में डील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फैक्ट्री है जी जी, तो मेरे ख्याल से लोग आपसे लेते होंगे अपने स्टोर के लिए। जी जी, हमारे यहाँ से होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। अच्छा, हमारा होलसेल का बहुत मतलब बहुत बड़ा काम है। रोज की आप मानोगे नहीं, हमारी जो होलसेल होता है ना, बेड ले लो, बेड साइड ले लो, ये हमारे लगभग 300 से 400 प्रोडक्ट महीने के जाते हैं। हाँ, आप NCR दिल्ली में जाते हैं पूरे, आप कहीं पे भी समझ सकते हो, गुड़गांव, दिल्ली में, हर जगह। मैं सीधी भाषा में बोल देता हूँ जी। एक तो पहले मैं यहाँ पर क्यों आया, कि मैं चाहता था कि हर किसी को एक अच्छा फर्नीचर डायरेक्ट फैक्ट्री से मिले, कम प्राइस में मिले। देखो, आप कहीं पे भी जाओगे, आप जैसे कि आप बेड, आप किसी भी बेड पे आ सकते हैं। कौन सा बेड दिखाना चाहते हैं हम? ये नहीं दिखाते हैं, उस बारे में मैं क्या बोलना चाह रहा था कि हर किसी को एक अच्छी चीज एक कम प्राइस में मिले। ठीक है ठीक है। और जो ये वीडियो अभी जो स्टोर वाले देख रहे हैं ना, वो भी आपसे माल लेते हैं? बहुत से स्टोर बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढा, तो मैंने कहा चलो करते हैं फिर एक डायरेक्ट फैक्ट्री से क्यों ना हमें दिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब करते स्टार्ट, क्या दिखा रहे सबसे पहले? देखो, स्टार्ट में ये दिखाना चाहते हैं, आप इस बेड के ऊपर अगर आप जाओगे, आप किसी भी शोरूम पे जाओगे, ये बेड आपको 25 से 26 हज़ार का मिलेगा। अच्छा, प्लस ये मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा होलसेलर हूँ, मैं जानता हूँ कौन सी मार्केट में कौन सा माल जाता है, क्योंकि मैं खुद भी देता हूँ। और मैं सिर्फ अब ये चाहता हूँ कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली हो गई, हाई क्लास फैमिली होगी, लो क्लास फैमिली होगी, कि सबके घर में बेड होना चाहिए। ठीक है, आप अगर जाओगे इसमें, हम आपको ये प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में जो है इसका प्राइस है 25 से 26 हज़ार कम्प्लीट बेड का। ठीक है, और इसमें मटेरियल उसके मुकाबले बहुत हाई, मतलब बहुत हाई है। अच्छा, बहुत हाई हम कह सकते हैं, और है भी इसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है। प्राइस ज़्यादा होता है, आप मेरे को याद है पहले, मेन तो आपकी फैक्ट्री है। जी जी, तो मतलब जैसा खासियत एक होगी, जैसा मर्जी बना सकते हैं। बिल्कुल बना। उसके अलावा कोई खासियत आपकी? उसके अलावा हमारी खासियत है, देखो हमारा बहुत लोग इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ठीक है ना, बहुत ऐसे शोरूम वाले हैं चैलेंज करके माल पकड़ लेते थे क्लाइंट से, कि हम आपको 5 दिन में दे देंगे, 1 हफ्ते में दे देंगे, फिर वो लास्ट में वो लोग हमारे पास में आते थे कि फरमान भैया मैंने अर्जेंट में पकड़ लिया, ये मुझसे गलती हो गई, वो ऐसा बोल के हमसे झोल जाल कह सकते हो आप, गलत कह सकते हो करके, वो हमसे बेड बनवा लेते थे जल्दी। नहीं, गलत तो नहीं कह रहे, उन्होंने चला के करके हमसे करा लेते थे वो काम अपना। तो हम आपके लिए एक बेस्ट ऑफर लेके आए इस बार। अच्छा, वो क्या है ऑफर? ऑफर आपके लिए है, जैसे कि हम कोई भी आपको प्रोडक्ट मान लिया 25,000 का दे रहे हैं, 20,000 का दे रहे हैं,
अब कोई भी डिजाइन हमारे यहाँ का 48 घंटे में हम आपको डिलीवर कर देंगे। अच्छा, कोई भी फर्नीचर? कोई भी फर्नीचर, डाइनिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल, बेड, सोफा, कुछ भी 48 घंटे में डिलीवर कर देंगे। मतलब 48 घंटे में आप बना कर रख देंगे कि? बिल्कुल रेडी करके आपको डिस्प्ले में यहाँ पे दिखा देंगे। जो आपसे हमारी डील होगी माल की, वो उस माल में कस्टमाइज में। अगर ना हुआ तो? ना हुआ 50% ऑफ। ठीक है, सीधा सीधा 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर अगर 48 घंटे में ना हुआ तो आप 10,000 की चीज लेते तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे। 5,000 ही देने पड़ेंगे। 20,000 लेने लेते हैं तो 10,000 देने पड़ेंगे। बिल्कुल, 1,00,000 के लिए तो सिर्फ 50,000 लेते हैं। आपने अगर 10,00,000 का माल बुक किया, सीधा 50%। ठीक है, 5,00,000। ठीक है, तो ठीक है। अब मतलब वैसे ही ऑलरेडी इतने जेन्युइन प्राइस थे, कम प्राइस, इतने अच्छे फर्नीचर के, वो हम आपको दिखाते हैं। और अगर 48 आवर्स में आपको ना मिला तो सीधा 50% ऑफ हो जाएगा। सीधा 50%। बहुत बढ़िया। तो क्या दिखा रहे सबसे पहले? जैसे स्टार्ट यहीं से करते, बताइए। ओके भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बेड की क्वालिटी। इस बेड की क्वालिटी की हम बात करें, इसमें प्लाई कटिंग का वुड है जो हम प्लाई इस्तेमाल करते हैं, प्लाई कटिंग का है। अब इसमें फैब्रिक है नॉन साइड, नॉन शेडेड हो गया। हाँ जी। और इसमें जो है आप देख रहे हैं स्टिचिंग जो देख रहे हैं, अगर आप इसको हाथ से वर्क कराते हो ना इसका स्टिचिंग का, तो ये लाइनें सीधी नहीं आती है। अच्छा। आप कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे जाओगे लेने के लिए तो आप ये चेक कर सकते हो कि लाइनें सीधी है, ये छोटी बड़ी तो नहीं है। ये CNC का काम हुआ है सारा, मतलब एक पेवर बढ़िया काम। और फॉर्मिंग भी आप देखो, उसमें फॉर्मिंग बहुत अच्छी है, 32 डेंसिटी की। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कभी भी ऐसे स्टिचिंग वर्क वाला बेड लेने जाते हैं तो एक बार देखना चाहिए कि स्टिचिंग सारी सीधी है, कोई धागा निकल तो नहीं रहा। इसमें कुछ होता क्या है कि धागे भी निकलते हैं और एकदम इवन है ये। हाँ। जैसे ये हमारी पौन इंची है तो ये पौन इंची है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब एक साइज मिलेगा। और आपको CNC की सिलाई से एक और अच्छा मिलेगा, ये जो इसके अंदर धागा CNC में यूज होता है ना, वो अच्छा होता है, नायलॉन का होता है। हाँ। वो जो होता है धागा, वो दूसरा वैसा होता है। ठीक है। हाँ जी। इसके साथ में रखा है छोटा सा, इसके साथ में रखा है बेड है, ये हमारा बहुत प्यारा बेड है। एक कस्टमर ने कस्टमाइज कराया इसको, हम इसको ज्यादातर पहले बनाते थे बिना SS के। ठीक है। कस्टमाइज हुआ है ये बेड, कस्टमर ने कराया है ये। अब इसमें कस्टमर ने जो है SS जो है एक्स्ट्रा कराई है। अच्छा, SS एक्स्ट्रा कराई है। वैसे आप प्लेन बनाते थे, कस्टमर ने बच्चे के लिए था, बच्चों को थोड़ा चमक वगैरह के लिए। अच्छा, किड्स रूम के लिए, बच्चों के कमरे के लिए, रूम के लिए बनवाया है बेड। ठीक है। अब इस बेड की क्वालिटी की हम बात करें, इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना फॉर्म वुड, तो जो प्लाई हमारी होती है वो तो प्लाई कटिंग बोर्ड होता है। अच्छा। और इसमें अगर हम इस्तेमाल की बात करें ना फॉर्मिंग की, फॉर्मिंग इसमें हम बड़ी शानदार लगाते हैं। आप कहीं पे भी जाओगे ना, किसी भी स्टोर पे जाओगे, इस रेंज में क्या, इससे ऊपर की रेंज में भी ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। आप ज़्यादा नहीं 15 सेकंड पकड़ के वहाँ पे, मतलब इसको होल्ड करके रख सकते हो, 15 सेकंड बाद जब आप अपना ऐसे अंगूठा उठाओगे ये वापस नहीं आएगा, अंगूठे का पूरा मतलब वो आ जाएगा ये। अच्छा, मतलब ये वापस आ गई है। हाँ। और जो हल्के बेड होंगे उसकी फोम वापस नहीं आएगी, गड्ढा आ जाएगा। आप दोबारा से ऐसे चेक करोगे ना, ऐसे हाथ लगा के, गड्ढा आएगा, महसूस होगा, वो एकदम फील हो जाएगा, है ना, महसूस होगा। तो ये एक पहचान होती है कि अच्छी फोम की। हाँ, फोम की। उसको दबा के रखिए 15-20 सेकंड, 25 सेकंड उसको दबा के रखिए, आधा मिनट दबा के रखिए। स्टोर पे बात कर रहे हो इतने उसको पकड़ के रुक सकते हो। हाँ, जैसे कैसे आप जैसे दुकानदार से बात कर रहे हो, आप फोम को दबा के रखिए। अगर कुछ आधे मिनट बाद छोड़ने के बाद वापस आ गई तो एक तो अच्छी फोम है, और उसको मतलब आने में टाइम लगे या उसमें गड्ढा सा आ जाए, हाथ लगा के देखिए, महसूस हो जाएगा। क्या है, हमारे पास कुछ क्लाइंट आते थे, हमने उनको सबको ये चीज समझाई है। वो कहते थे भैया हम लोकल का अच्छे का कैसे पता करें फॉर्म के बारे में। अच्छा। तो हमने उन्हें ये चीज़ समझाया, आप किसी भी स्टोर पे जा रहे हो कहीं पे भी, मतलब अगर आपको माल कंपेयर करना है कि जो हल्की डेंसिटी की हल्की फॉर्म होती है उसको आप ऐसे दबाते हो, उसकी फील आपको अलग ही आएगी एकदम। अच्छा। इसको आप फील करोगे तो देखो कहीं से भी है, ये ऐसे देखो आप इसको पूरे हाथ से होल्ड कर सकते हो ऐसे, तो ये फॉर्म बिल्कुल नहीं आपको। अभी ये वाला बेड जो आपके पीछे रखे बहुत चलता मार्केट में, ये बेड बहुत है, ये मतलब वो होता है कि चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसके हम जो है ना इसके ऑर्डर भी पूरे नहीं कर पाते हैं। अच्छा। ये तो आज भी क्लाइंट का एक रोका हुआ है, ये बेड परसों जाना था, सिर्फ आपके लिए रोका हुआ है डिस्प्ले में दिखाने के लिए, नहीं तो ये हमारे पे पूरा भी नहीं होता इसका ऑर्डर। अच्छा। इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी में बेड आता है निकल के, नॉन साइड फैब्रिक जैसे हम बता रहे हैं, हम नॉन साइड ही फैब्रिक लगाते हैं ज्यादातर, नॉन शेडेड फैब्रिक होता है, लोकल में हम नहीं जाते हैं। ठीक है। जो 200 GSM, 160 GSM, 240 GSM, इतने हल्के फैब्रिक में हम नहीं जाते हैं। अच्छा। अच्छा फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब इसकी डाइमेंशंस की बात करें, कितनी चौड़ाई है इसकी? इसकी बेड की चौड़ाई ये होती है, देखो अगर बाहर से बाहर इसको नापते हैं तो ये 6.5 फीट होता है। ठीक है। और अंदर इसके अंदर 6 फीट बक्सा जाता है, लेंथ कुछ भी करा सकते हैं आप। ठीक है। वो 75 जो आप वो करा सकते हैं। जैसे ये बेड सिखाए थे इनकी क्या रहती है साइज? इनकी लेंथ वही सबकी ऑलमोस्ट रहती है 6 फीट, 6 फीट की रहती चौड़ाई, और लंबाई तो आप कितनी भी करा सकते हो, 75, 78, कस्टमाइज कुछ भी करा सकते हो। ठीक है। आप इसकी कस्टमाइज 5 फीट भी करा सकते हो,
क्वीन साइज भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हैं। तो आप बता रहे हैं इनमें सब पे प्लाईकटिंग बोर्ड लगा हुआ है, जो कि आजकल जनरली मार्केट में हर कोई लगा रहा है प्लाईकटिंग बोर्ड। देखो प्लाईकटिंग लगाने का थोड़ा सा रीजन ये होता है, बोर्ड ये नहीं कि ये खराब है, इससे नीचे जाएंगे वो बोर्ड खराब होता है, बोर्ड बहुत शानदार होता है ये। मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ कि हर क्लास के लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हर कोई एक महंगा बेड 45,000-50,000 का बेड नहीं ले पाता जी, तो जी। उनके लिए प्लाईकटिंग के बेड बनाए जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कुछ लोग कहते हैं कि बेड लो तो भैया वही लो 50,000 वाला लो, वरना मत लो। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि यार जितना आपकी आप ले सकते हैं, जितना आप खर्च कर सकते हैं ना, तो उस हिसाब से लेना चाहिए। पर हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लाईकटिंग बोर्ड ले लो, पर इसके अलावा जो नीचे जो आते हैं जबड़े कमर्शियल, वो मत लीजिए। वो तो बहुत हल्का होता है, उसके अंदर बुरादा भरा होता है, कंप्लेंट बहुत आती है। वो तो लगाते ही नहीं है, कभी लगाया ही नहीं है, ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हैं हम। क्लाइंट कोई ऐसी बातें भी करता है तो हम उसका माल ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, आप ये प्लाईकटिंग बोर्ड दे रहे हैं जी, एक कम दाम में जितने इसकी कीमत होनी चाहिए उतने में दे रहे हैं, तो समझ आता है चलो अच्छी चीज कर रहे हैं आप। अगर आप यही क्वालिटी लगा के और आप महंगे वाले प्राइस ले लेना 45,000-40,000, फिर मैं उसको सही नहीं मानता, वो गलत होता है, फिर मैं गलत मानता हूँ उसको। तो अभी आप कितने दे रहे हैं? देखो हमारा ऑनलाइन डालने का जो पर्पस है ये इसलिए है कि हर घर में एक सस्ता और अच्छा और टिकाऊ एक बढ़िया बेड जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी जाइए आप तो ये बेड बहुत महंगे रेंज में जाएंगे, जो हम आपको माल और जो फैब्रिक और जो इसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितना दे रहे आप ये बेड? देखो अगर आप मार्केट में जाओगे ये वाला बेड कान वाला आपको 30,000-35,000 या उससे भी ऊपर आप ले जाएंगे, लेकिन हमने आज आपके लिए प्राइस रखी हुई है, हम चाहते हैं कि आपके डायरेक्ट फैक्ट्री से बैठ जाए, तो हमने इसकी जो प्राइस रखी हुई है इसकी प्राइस है 24,000 रुपए इसकी, और इसके साथ वाले की? इसके साथ वाले की प्राइस रखी हुई है हमने 22,000 और जो पहले सिर्फ वीडियो के लिए आई है। अच्छा, हम इसको सेल आउट अलग होता है, वीडियो के लिए आई है सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए, जो लोग वीडियो देख के आएंगे उसके साथ में, इसके साथ में आएंगे इस पर थोड़ा CNC का काम एक्स्ट्रा होता है, ये हम आपको दे देंगे 22,500। और जो ये वाला रखा हुआ है ये वाले पे आओगे इस पे भी CNC का काम होता है, इसको हम आपको 23,000 रुपए में कराते हैं। 23,000 रुपए का बिल्कुल, और आपको 48 आवर्स में आपको कंप्लीट बेड ना मिला तो आपको 50% ऑफ है, 10,000 के ये बेड मिल लेंगे जी। और एक बात और मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, आपने तो प्राइस दे दिया अपने वाले, मेरे कहा था मैं नेगोशिएट मैं खुद करता हूँ, मैं लोगों को भी कहता हूँ कभी आप किसी भी स्टोर में नेगोशिएट करिए, तो उनके लिए क्या काम कर सकते हैं आप? देखो वैसे तो हम जो प्राइस दे रहे हैं इसमें बहुत ही कम मार्जिन जो होता है ना, कम मार्जिन पे हम आपको जो ये रेट दे रहे हैं ना किसी भी बेड का, मान लिया इसका बेड रेट दिया है मैंने आपको, उसका दिया है, उसका दिया है, किसी का भी दिया है, ये हमारे होल सेल में इससे भी हल्का माल लगा के लोग ले रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ से मैंने आपको बताया तो हम खुद सप्लाई करते हैं यहाँ से शोरूम पे। वो तो आपने बोलते, पर मेरे यहाँ मैं तो कम करवाता ही करवाता हूँ, तो देखते हैं कोई नहीं कितना कम करते हैं, एक आइडिया दीजिए बस। एक आइडिया मैक्सिमम 500 आप 500 इससे कम तो नहीं हो पाएगा, तो मैं 1,000 बोल रहा हूँ, आप इतना कर देना कोई दिक्कत तो नहीं, वो तो आपके लिए तो मान रख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा नीचे नहीं कर सकते। अभी प्लाईकटिंग का बोर्ड दिखाया आपने, अब इसके बॉक्सेस दिखाए थे एक बार, जैसे पहले ये बेड रखा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में आप आओगे, इसमें वही हमारा नॉन सेट फैब्रिक है, प्लाईकटिंग बोर्ड है, प्लाई है, और इसमें फॉर्मिंग जो हम बताते हैं फॉर्म हम सब में वही इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वाली है ऐसे, ठीक है, ये फॉर्म हम सब में वही इस्तेमाल करते हैं, लोकल किसी में कोई इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, और बेड बॉक्स की इसकी बात करें आपका, ये देखो आपको बक्सा दिखा रहे हैं, बक्सा वही 18 mm प्लाई, ये जी एक इसकी कोर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं पूरे इसके पत्ते पत्ते दिख रहे हैं, और ये एकदम आप देख सकते हैं फ्लैट है, बिल्कुल कोई अनइवन नहीं है। हाँ, अंदर की फिनिशिंग देखिए आप, ठीक है, अब आपको वो हो तो गया पुराना लेकिन दिखाना पड़ता है। हाँ, आप कहोगे कि ये तो पुराना दिखाते आ रहे हैं, लेकिन हमें वो दिखाना पड़ता है क्लाइंट को, क्लाइंट तभी मानते हैं। ठीक है, ये एक पुराना हो गया लेकिन हमारी मजबूरी है, ये दिखा देते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, खड़े होकर कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती, नहीं होती, मैं मना करता हूँ कि मत करिए, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता दिखाने, लेकिन क्लाइंटों को दिखाना पड़ता है तभी लगता है कि हाँ शायद माल अच्छा है। ठीक है, अभी तो ब्राउन डीको है, अगर कोई कहता है मेरे को इसमें व्हाइट ग्रे डीको, वो सब हो जाएगा। हाँ, वो सब हो जाएगा। आप जैसे तो ये बॉक्सेस की क्वालिटी मिलेगी हर जगह। हाँ, ऊपर नीचे प्लाई मिलेगा, ऊपर हमारा देखो ऊपर 18 mm 18 mm आ गया, नीचे 12 mm प्लाई, 12 mm 7 सपोर्ट होती है, नीचे 7 सपोर्ट होती है, और पैर होते हैं 2x2 के, 2x2 के हमारे लेंगे ना, उसके बाद ये प्लाई कटिंग बोर्ड होता है। और एक और चीज अब नजदीक लाना थोड़ा पुनीत भैया, कुछ लोग क्या करते हैं पैसे बचाने के लिए यहाँ पे पतली लगा देते हैं प्लाई। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको इतना कर देते हैं, उसकी मोटाई बढ़ा देते हैं, वो दिखाई नहीं देती है। आपने वही लगाई है जो हम सब पूरा बॉक्स में सब जगह 1/4 इंच लगाते हैं, 1/4 इंच हम इसको वो नहीं करते हैं। तो ये बॉक्सेस की क्वालिटी आपको हर बेड में मिलेगी, हर बेड में
जो कि ये प्राइस में रहेंगे 20-21-22-25 में रहेंगे, तो इस कितने का बेड है? 20,000 से 25,000 की रेंज में जो बेड रहेंगे बीच के हमारे, कोई भी जो जो हम रेट दे रहे हैं उसमें सभी मटेरियल यही इस्तेमाल होगा, इसके बाद कस्टमाइज है। ये कितने का? ये वाला बेड हम देने वाले हैं आपको सिर्फ और सिर्फ, कहीं पे भी जाएंगे प्राइस तो बहुत अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपये का। 23,000 रुपये, तो मतलब 22,000 का मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, और हम साइड टेबल की बात करें, ये भी साइड टेबल में भी रखा है कंसेप्ट, आप देख सकते हैं इस साइड टेबल, ये ठीक है। आप फिनिश इसमें ये जो कलर है कोई भी करा सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर ग्रे करा सकते हैं आप, बहुत सारे कलर हैं। डीको में कह रहे हैं? हाँ, डीको में आप कोई भी कलर करा सकते हैं, ठीक है। कितने साइड टेबल? अच्छा ही रहेगा, अगर आप इसमें साइड टेबल ऐड करते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिंगल साइड टेबल या मतलब पेयर? सिंगल साइड टेबल ऐड करोगे तो 2,500 रुपये, दोनों लोगे पेयर लोगे तो ये आपको पड़ जाएगा 4,000। 4,000 रुपये का दो और 2,500 रुपये का एक। आपको इस पे लैमिनेट ऐड करवाना अंदर बाहर सब? इसमें लैमिनेट ऐड कराना है वही 6,000 के समथिंग खर्चा, 6,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा आता है वही आता है। अगर कोई कहता है मेरे को चलो ये अभी तो प्लाई कटिंग है पूरा प्लस हमारा प्लाई ऊपर नीचे हो गया, अगर कहता है मेरे को पूरा प्लाई में बॉक्स चाहिए? पूरा प्लाई में बॉक्स? पूरा प्लाई में बॉक्स आ जाएगा। वो कितने का हो जाता है? उसका देखो जो खर्चा एक्स्ट्रा आता है, मुनासिब खर्चा ही लगाते हैं हम लोग, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाते, ठीक है। देखो जैसे आपने माइका के बारे में बात किया, वो तो वही बात कर रहे थे, माइका जैसे वहाँ लगा हुआ है। आइए आइए, देखिए ये देखिए, आप माइका के बारे में बात कर रहे थे ना पुलिस भैया, आपको मैं दिखाता हूँ, ये माइका तो है यही, साथ में आपको बहुत अच्छा प्यारा बॉक्स दिखा, फ्रंट ओपनिंग हो गया, सामने से खुलता है हमारा, ठीक है बढ़िया, ठीक है। अंदर भी देखिए लैमिनेट है, बताइए क्या करते हैं आप? ये पूरा 18mm प्लाई का बॉक्स है। अच्छा, फुल लेमिनेट बॉक्स है ये आपका, और विद सिंगल हाइड्रोलिक है, सिंगल हाइड्रोलिक हो गया, 120 में हमारा ये ऊपर का पल्ला हो रहा है, सिंगल हाइड्रोलिक बोल सकते हैं आपको, ये ना साफ, मतलब लेमिनेट से फायदा होता है कि ना कभी स्मेल आनी है, आराम से साफ होगा हमारा, आराम से साफ होगा, और बॉक्सेस की लाइफ अपने आप बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, है ना, लाइफ बढ़ जाती है। तो ये अभी एज इट इज जो बेड रखा हुआ है पूरा कितने का है? ये जैसे रखा हुआ है ना, अगर हमारी कोई वीडियो देख के आता है, मैं फिर वही आपको एक बार बताता हूँ, तो वीडियो में हम जो आपको सेल करने वाले हैं सिर्फ ओनली 37,000 रुपये, 37,000 रुपये का, चलो ठीक है। वैसे आप बिना वीडियो के आते हैं या वैसे आते हैं, हमने बहुत सेल किए हुए हैं, आपसे छुपाने वाली बात नहीं है, 55,000-60,000 हमने खुद सेल किए हुए हैं, मैंने भी दिखा रखा है 45,000 का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यही क्वालिटी आगे पीछे, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, कान वाला बेड है, अच्छा फैब्रिक है, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 45 ये हो गया, 22-23,000 रुपये आपने इसका बताया था, ठीक है। अब ये एक देख रहे हैं मेटल फ्रेम में पूरा, आइए आपको आपके लिए एक और नई चीज़ रखी है, बहुत कम मतलब बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा कि स्टील के फ्रेमिंग वाला बेड, ब्रश गोल्ड इस पर फिनिश हो रहा हमारा, हाँ जी हाँ जी, गोल्डर, तो मेटल फ्रेम है पूरा, हाँ पूरा मेटल फ्रेम है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेड है हमारा फ्रेम ये, जी जी, ये इंडियन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा इम्पोर्टेड फ्रेम हो गया हमारा, और इसमें तो ऐसा ऑफर मिलने वाला है कि मजा ही आ जाएगा। अच्छा, वो क्या ऑफर है? देखो पुनीत भैया, अगर मार्केट में आप जाओगे और किसी भी जगह पे आप बात करोगे, ये फ्रेम जो है ना, ये फ्रेम आगे पीछे का इंडियन में अगर आएगा तो ये 28,000-30,000 का खाली फ्रेम बनेगा, जो इंडियन में होगा सिर्फ फ्रेम। अच्छा, फिर आगे पीछे की साइड और बाकी बॉक्स वगैरह सब ये सब नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो अगर हम आपको ये बेड जो डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये बेड हम आपको सिर्फ और सिर्फ 35,000 का देने वाले हैं, तो 35,000 का ये मिलेगा, इसमें पूरा मेटल का फ्रेम है और वन पीस में फ्रेम है, अगर जी मैं जी बिल्कुल, कोई जोड़ वोड़ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं वन पीस में फ्रेम है ये पूरे, तो आगे अलग है पीछे अलग है, जी जी। तो ये 35,000 बताया आपने, ओनली 35,000, अगर आप मार्केट में पता करो ना इस फ्रेम के बारे में, 28,000-30,000 का सिर्फ फ्रेम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसकी मोटाई भी देखते हैं लगभग हमारी 2.5-2 इंची है इसकी मोटाई, इसकी फ्रेम की, और ये यहाँ से 0.25 होगी हमारी, है ना, 0.25 बिल्कुल बिल्कुल, 0.25 और आपने बताया इम्पोर्टेड है, अगर कोई कहता है मेरे को ऐसे पांच बेड चाहिए, देखो ऐसे पांच बेड के लिए पुनीत भैया ये रहेगा, ये हमारे आते हैं इम्पोर्ट होते हैं बाहर से। अच्छा। जर्मनी, मेरे भैया वगैरह जर्मनी रहते हैं ना, तो उन्होंने सैंपल के लिए मेरे पास भेज दिया था एक केले, इसको बना के देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। तो इसकी अगर आप बात की जाए कि आपको 5-6 बेड के ऑर्डर देने हैं या उससे भी ज़्यादा देने हैं उससे कम देने हैं, तो ये आपको कॉल करके पता करना पड़ेगा इसके बेड के बारे में, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, कि ये बेड और अवेलेबल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। अच्छा, कभी तो आने को 2 दिन में आ जाए, कभी आने को ये 1 महीने में आए। अच्छा अच्छा, इस बेड के बारे में हम ये बात करेंगे आपसे, ठीक है, मतलब पहले आप क्लियर कर देंगे ना ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो ये फिर इंडियन में बनेगा। अच्छा, इंडियन में फिर ये जाके बनेगा आपका 50,000-55,000 रुपए का बेड। अच्छा, इंडियन में आ गए, क्योंकि इंडियन हैवी होता थोड़ा।
फ्रेम जो लगाएंगे वो 28 से 30 हज़ार का फ्रेम आएगा, वो हैवी होता है इंडियन में, फिर वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल मतलब हैवी माल नॉर्मल प्राइस में हम लेकर आए हैं, तो 35 हज़ार का बेड दे रहे हैं। बिल्कुल, इसमें और भी डिजाइन है हमारे पास। ठीक है, व्हाट्सएप आप ले सकते हो। जल्दी से आपकी ये बैग दिखाते हैं, इनके प्राइस बताते चलते हैं। जैसे ये वाला होगा, जैसे ये बेड है सीएनसी पे कराया हमने, ये बेड की प्राइस आएगी 23 हज़ार। ठीक है, ये कान वाली बेड है, ये बेड आएगा 24 हज़ार। ये वाला बेड है, ये भी कान वाला है, ये आके आएगा 24 हज़ार। ठीक है, इधर आइए, इटालियन बेड है, इटालियन नाम का इटालियन है, बस ये काम करिए नाम का। ये देखो, अगर ओरिजिनल में जाऊंगा तो फिर वही बहुत हाई प्राइस मैं मान रहा हूं, पर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रखा हुआ है ये 25 हज़ार, 25 हज़ार का दे रहे हैं आप। इधर आओगे, इसको बादल वाला बेड बोलते हैं। अच्छा, ये पूरा एस एस है, ये अच्छा फैब्रिक नहीं है, एस एस लगा हुआ है, बहुत बढ़िया फिनिश के साथ में है। ये आपको मिल जाएगा 23 हज़ार। मेरे को ये बहुत पसंद आया, आपने पीछे छुपा, ये आप कह रहे थे थोड़ा शुरू से छुपा हुआ है। हम इस बेड की बात करें, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका। इसके हम प्राइस की बात करें, आपको मिलेगा 23 हज़ार। आप इधर आओगे, बेंटले बेड है। ठीक है, इसकी प्राइस आई आपकी 22,500। बहुत अच्छा फैब्रिक है। आप इधर आओगे, ये वाला जो फैब्रिक है, ये आपको मैं खुल के बात बताऊँ इसके बारे में, ये हमारे होलसेलर हमसे लेते हैं। अच्छा, दुकानदार आपसे लेते हैं ये वाला। ये बेड अगर आप हमसे इस रेंज में लोगे, जिसमें माल में बना हुआ है, हल्के में, झूठ नहीं बोलते हम किसी भी चीज में, साफ और सुथरा काम है हमारा, बोल के कहते हैं ये माल लगेगा तो ये लगेगा। ठीक है, ये हमसे होलसेलर लेते हैं, ये हम उनको बेड देते हैं कम्प्लीट 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए में देखो, इसमें साफ और सीधी बात है, इसमें हल्की फोम है, हल्का फैब्रिक है, हल्का मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, मटेरियल अभी आपकी वर्कशॉप में दिखाएंगे, वो सब से अलग है। मतलब अभी पीछे बहुत सारे बेड रखे, वो दिखाता हूं, उससे पहले एक कंबेड देख रहा हूं, ये दिखाया था ये बिल्कुल, क्योंकि यहां कंबेड सोफे भी होते हैं। तो आप इधर आइए, जगह का थोड़ा ऐसा हो रहा है पुनीत भैया, ये खुला। ठीक है, ठीक है, जिनके घरों में कम जगह होती है, फैमिली बड़ी होती है, मेहमान वगैरह आते हैं, उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो कितने का कंबेड है ये? कंबेड हम सेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए। 32,000 रुपए का? जी, मैंने 40 से कम कभी नहीं दिखाया। ये देखिए, इधर इसमें स्टोर भी मिल जाए। अच्छा, स्टोरेज भी है इसमें, ये थोड़ा। तो ये एक फायदा होता है, एक फैक्ट्री से लेना और एक जगह थोड़ी कम, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूं ऑर्डर आए, कोई दिक्कत। ये थोड़ा स्टोरेज अच्छी, साइज क्या है इसका? साइज इसका आएगा, अब साइज की बात करें, खुलने के बाद ये हो जाएगा 6x6। ठीक है, यहाँ से आप लेटेंगे 6.5 है ये। ठीक है, अब इसकी लेंथ की बात करें, यहाँ से 3 फीट रहेगा। ये मेरे को 6x6 नहीं, ज्यादा लगा 6x8 लग रहा है। यहाँ से 6x6 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 6x6। ऐसे बात करें तो 8 फीट आ जाएगा, 8 फीट आएगा, 6 फीट बाय 8 फीट का। ये सिर्फ आप कितने दे रहे? 32,000 रुपए का, और सिर्फ 32,000 रुपए, कहीं पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 40,000। और जो सोफा की क्या रेंज होती है? देखो, सोफा ये हमारे पास में होता है, अभी तो आज सेल आउट हो चुके हैं, 5-7 सोफे यहाँ पे रखे हुए थे, अभी जो बचे हुए हैं यही है फिलहाल, अभी जो आपको वीडियो आ रहे हैं ये आप देखोगे, ये हमने इसकी प्राइस दी हुई है ओनली 35,000। 35,000 रुपये, और इसमें 40 डेंसिटी का माल है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, कूदिए कैसे इस्तेमाल करिए कोई कमी नहीं आएगी। वारंटी क्या देते हैं आप सोफे की? वारंटी 5 साल। 5 साल बिल्कुल। बताओ नाम की है देने वाली? भैया देने वाला काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये खाली बोल दिया और बाद में ना कर पाए कमेंट, वो नहीं करते। 5 साल वारंटी इस पे और बेड्स पे? बेड पे आपकी हमारी जाती है 5 से 10 साल। 5 से 10 साल के बेड्स पे। अब जल्दी से ना, ये डाइनिंग टेबल रखे, पर इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल लेनी है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, सर को व्हाट्सअप करिए, एक मेरे को प्राइस बता दीजिए कितना स्टार्ट होता है डाइनिंग। ये वाला डाइनिंग सेट हम आपको होलसेल प्राइस पे देंगे, हमारा माल जितना भी मिलेगा आपको होलसेल प्राइस पे मिलेगा। ये वाला हम डाइनिंग सेट की बात करते हैं, ये वाला ये दोनों कोई भी ले सकते हो आप, ये आपको देंगे 39,000 रुपये का विद ग्लास। विदाउट ग्लास आपके 3,000 लेस हो जाए। ठीक है, 36,000 का। जैसे ये वाला, जैसे कि ये हुआ, आप इधर आ रहे हो, इसकी चेयर बहुत अच्छी लग रही है। ये आइए, ये फैक्सी चेयर है, इसके साथ में विद मार्बल के साथ आप इसको लेंगे तो ये 55,000 रुपये का। 55,000 रुपये मार्बल अगर आप हटा दोगे तो ये 40,000 रुपये। कितने चेयर स्टार्ट हो जाती है? ये चेयर जो है ना, इसमें कई तरह की होती है। आपके पास जो स्टार्टिंग चेयर कितने की होती है? स्टार्टिंग चेयर जो होती है हमारे पास में, खाली अगर चेयर की हम बात करें सिंगल चेयर की, तो 4,042 से होती है। ठीक है, 4,000 रुपये की एक चेयर मिल जाएगी आप? 4,000 की चेयर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करें हम लोग तो इतने ऑप्शन है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके सर को व्हाट्सएप कर दीजिए, सर आपको प्राइस बता देंगे। प्राइस इनके ज़्यादा नहीं है सर ने, जैसे बताया 32,000, 36,000, 4,000 बताया। होलसेल रेट दिया है आपको, जो हमारे यहाँ से होलसेल जा रहा है ना, NCR ऑल ओवर इंडिया, ये हमारे यहाँ से होलसेल रेट जा रहा है ना, जो वो ही आपको दिया है। आपको दुकानदारों में दिखते हैं तो ऐसी फैक्ट्री से ही बन के जाता है। पीछे आवाज़ आ रही है, पीछे फैक्ट्री वो भी दिखाते हैं। पहले इतने सारे जो हमारे हेडबोर्ड फ्रंट बोर्ड रखे, उसकी बात करें या पहले चेयर्स की बात करें? आप जिस जो आपको जो आपको जल्दी बताइए। आइए, बराबर चेयर्स की बात करता हूँ। बेडरूम चेयर और
इसकी बात की जाए, ये हमारी बेडरूम चेयर है, ठीक है, ये हम आपको पैर देने वाले हैं बहुत ही कम प्राइस में, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए, 8,000 रुपए एक चेयर, उसमें भी आपको नेगोशिएट हो जाएगा, कम कर देंगे, क्योंकि देखो एक कस्टमर का एक राइट होता है जी नेगोशिएट करना, देखो वो तो बार्गेनिंग करना हर किसी का होता है, बार्गेनिंग, देखो मैं भी कहीं पे जाता हूँ पैंट लेने शर्ट लेने, मैं भी कोशिश करता हूँ 600 बताया मैं इसको 500 देगा हूँ, बस इतना भी कम मत करवाइए, इतना भी मतलब एक दुकानदार मजबूर हो जाए इसको क्वालिटी थोड़ी गिराने में, मैं वो नहीं चाहता, हमारा पता है क्या अपनीत भैया, क्वालिटी की बात आपने की बहुत अच्छी बात है, इस बारे में आपने बात की, मैं भी शायद करता बाद में, लेकिन अभी हो गया बहुत अच्छा है, हमसे अगर देखो आप कोई भी बेड का ऑर्डर दे रहे हो, मान लिया इस बेड का आप ऑर्डर दे रहे हैं, अगर हमारे बजट में आएगा तो ही हम इसको पकड़ेंगे, नहीं तो मना करके नहीं देते, ठीक है, हम साफ सीधा मना कर देते हैं, अच्छा, हमें नाम नहीं खराब करना है, ऐसा ही और तभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, पुनीत भैया नाम खराब ही नहीं करना है हमको, अब जल्दी इसकी फिनिशिंग की बात कर लेते हैं, इसकी पाइपिंग देखिए एकदम सीधी जा रही है, बैक तो वही हमारा सेम स्टिचिंग का आ गया, ठीक है, देख सकते हैं नीचे पैर देखिए, बाकी फिनिशिंग अच्छी है, फिनिशिंग फॉर्मिंग बहुत अच्छी है, टीक वुड है हमारा, जी जी ये टीक वुड है, ये सागवान के पैर है, एसएस की लगे, ठीक है, 8,000 रुपए की चेयर बता रहे हो, हाँ जी, कम कर दे, और इसमें एक डिजाइन हो रहा है हमारे पास में, जैसे पीछे छुपा यहाँ पे जगह थोड़ी कम रह जाती है, फैब्रिक बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए हाई बैक चेयर, हम इसके बारे में बात करते हैं, लग रहा है जैसे फर वाला फैब्रिक, और फर वाला नहीं है खाली, ये हाँ जी, एक ये देखिए आप, एक बार इसको दिखाए क्या, इसको बिल्कुल दिखा सकते हैं, चलो अभी अभी पहले ना फैक्ट्री दिखाते, फिर दिखाते, ओके आइए, चलिए पहले फैक्ट्री से पहले एक बार ये नजर मार लीजिए आप लोग, यहाँ पे इतने ऑप्शंस है आपकी, जो अभी जा रहा है अभी लोड होगा ये वाला, ये होलसेल में रिटेल में हमारे पास हर वक्त, आपको अगर आप डिजाइन देखना होंगे हमारे पास में, कहने वाली बात नहीं होती, यूट्यूब पे कह के छोड़ दिया वो सब नहीं है, 50 से 60 बेड आपको हर वक्त यहाँ पे रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, तो कहने वाली बात नहीं, दिखाते हैं ये पड़े हैं इधर रखे हुए, ये सब है, ये अभी ही जाएगी, अभी पैक करे हुए अभी ही जाएगी, ये निकल जी जी आप इधर, इसमें हमारे पास फैब्रिक का ऑप्शन हम अपने पास में रखते हैं रोल वगैरह, अच्छा ये फैब्रिक के रोल, आप देख सकते हो हम कौन सा फैब्रिक लगा रहे हो, ठीक है बिल्कुल, तो ये रोल ही रोल है, अगर आप जी जी रोल ही रोल है सर, इधर आओगे यहाँ पे हमारी होती है कुशन, ठीक है, ये वर्कशॉप है यहाँ पे, जी जी बिल्कुल, सारा फर्नीचर ये तैयार होता है यहाँ पे, कुशन होता है कंप्लीट, हम यहाँ पे करते हैं, आप आपको मैं अपनी क्वालिटी दिखाता हूँ, आइए आप फटाफट आइए, शकील भाई हटाने के लिए मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, हम क्वालिटी की बात करें, शकील भाई लाओ मुझे दिखा, देखो पलाई आपने कहीं बहुत जगह पे देखी होगी, ऐसी पलाई मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगर हल्की पलाई होती फट जाती है अब तक, बिल्कुल फट जाती भैया, बिल्कुल दो पीस हो जाते इसके, ठीक है, ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, देखो आपको ये जो इसके ये है जो ये प्लाई कटिंग दिखता है, खड़े खड़े दिखेगी आपको पत्ते इसके वजह से, खड़े खड़े दिखेगी, प्लाई में आपको लेटे हुए दिखेंगे, लेटे हुए लेटे हुए, ये पहचान होती है, और पॉलिश भी अपनी ही होती है हमारी, आइए देखो हमारे यहाँ पे ऐसा है, पॉलिश भी अपनी ही होती है, आपको दिखाया भी, फोमिंग भी अपने यहाँ होती है, बेड भी अपने यहाँ बनते हैं, आइए ये देखो हमारे यहाँ पे, हमारा खुद का काम होता है पॉलिश जी, जितना भी काम रहेगा हमारा खुद का पॉलिश होता है, खुद की पॉलिश कराते हैं, सब कुछ अपने यहाँ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब पता है आधे लोग क्या कहते हैं, क्या आपको बताऊंगा आप भी हंसोगे कि भैया मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे बड़ी हंसी आती है देख के, मैं सब लोगों को जानता हूँ कौन मार्केट में कहाँ पे है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग है किसकी नहीं है, सर अब आपने बात छेड़ी है ना, मैं एक बात बता दूँ जी, यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस बनती है भले मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल बनती है मैं ना मैक्सिमम लोगों की जानता हूँ कौन कहाँ से माल ले रहा है और किसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आधे आधे हमसे लेते हैं, मेरे को हर एक का पता है, भले मेरे चैनल के हो या किसी भी चैनल के हो, मेरे को सब बिल्कुल हमसे लेते हैं, आप भी जानते हो कौन कौन लेता है, मैं जिस दिन अपनी पूरी नॉलेज या पूरी जी जी एक सच्चाई बताने लग गया ना जी जी, मैं इसलिए नहीं बताता पूरी सच्चाई क्योंकि यार हर कोई ना काम करता है घर चलाने के लिए, हर किसी का घर चलना चाहिए भैया, मैं इसलिए नहीं, किसी को टारगेट नहीं करेंगे, किसी का घर ना चले, मैं टारगेट नहीं करता, वो वाला हमारा नहीं है, बस नाम हम लोग बता नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारा हर जगह माल जाता है, मैं इतना बोलता हूँ बिल्कुल कि जितने में जो ले रहे हैं ना उसके पैसे वसूल हो जाए उसके, उस बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए भाई, हम भी चाहते हैं कि मैं इतना बोलता हूं इसका मतलब देखो कोई अगर इस पे 20,000 रुपए लगा रहा है, हम चाहते हैं उसके 20,000 का माल जाए, जी जी जी, ऐसा नहीं है कोई इस पे 20,000 लगा रहा है उसके घर 12,000 का माल पहुँच रहा है 15 का पहुँच रहा है, सामने वाले का भी दिल दुखे, इस कमाई से कोई फायदा नहीं है अभी, तो मैं तभी कहता हूँ कि आप देख सकते हो प्लाई कटिंग बोर्ड, मैं मानता हूँ प्लाई से हल्का होता है, प्लाई कटिंग बोर्ड प्लाई से हल्का होता है,
पर उसका प्राइस भी फिर कम रहता है क्योंकि हर कोई प्लाई का पूरा प्लाई का बेड नहीं ले पाता, 45-50 हज़ार का बेड हर कोई नहीं ले पाता। प्लाई का बक्सा दिखाता हूं उन्हीं के लिए प्लाई कटिंग बोर्ड बनाए जाते हैं जो कि 25-30 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो आप, ये पूरा 18 mm प्लाई का बक्सा है, आप इसकी पूरी प्लाई देख लेना हर जगह, ठीक है, हर जगह पूरी 18 mm है, ठीक है। तो आप एक बार नीचे चलते, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दिए ऊपर, अभी यहाँ ये सब दिखा दिए, बस चेयर चाहिए जल्दी से बताते। जैसे ये चेयर आगे वाली आपने एक बार बताई थी मेरे को, सिंगल चेयर 8,000 रुपये की। जी जी बिल्कुल। कोई पेयर लेता है तो देखो, अगर आप सिंगल चेयर लेते हो तो 8,000 के, पेयर लेते हो तो आपके लिए 15,000। ये लो वाली 15,000 का पेयर मिलेगा। हाँ जी, लोटस चेयर आगे हमारी फ्लोरल, ये वाली। जी जी, ये फ्लोरल में आप जाओगे ये आपको पड़ जाएगी, पेयर पड़ेगा आपको 13,000, सिंगल चेयर पड़ेगी आपको 8,000। सिंगल पड़ेगी 8,000, पेयर पड़ेगा 13,000। तो ये सिंगल में खर्चा ज्यादा आ जाता है, कोई भी लेबर हो गया 7,000 भी नहीं पड़ेगी, 8,000 पड़ेगा। हाँ जी इतना, क्योंकि वो खर्चा इसमें जो है ना थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ये पीछे इसका फैब्रिक बड़ा प्यारा लगा मेरे को, ये हाई बैक में आप जाओगे, हाई बैक चेयर है ये आपको पेयर पड़ेगा 18,000 रुपए का। सिंगल चेयर अगर आप लोगे तो ये पड़ेगी आपको 10,000 रुपए, ठीक है। सिंगल 10,000 की और पेयर में देते 18,000 रुपए का, वो डिफरेंस आता है थोड़ा, 1,000-2,000 का आता है। सब कुछ सिंगल कोई बनाता नहीं है ना, सब कुछ डिफरेंस आता है। चलो 1,000 तो, हाँ मैं मानता हूँ, आता है। समझ रहा हूँ मैं बात आपकी। जी जी। अब एक जल्दी मैं वॉल पैनलिंग देख रहा हूँ। आप वॉल पैनलिंग की हम बात करें, आप आइए जी, बताइए। ये वॉल पैनलिंग है, ये हमारा 10x9 का एरिया है। अच्छा, ये तो 10x9 का एरिया कवर किया हुआ है, आपका कोई भी एरिया कवर कर सकते हैं हम, 10x11, 10x12, कोई भी एरिया कस्टमाइज बन जाएगा, 20x10, कोई भी एरिया, कैसा भी एरिया, ये वॉल पैनलिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी ये तो खाली आपने एक डिजाइन दिखा रखा है। जी जी जी। कोई कांटेक्ट करता है आपसे, मेरे को सर इसके वॉल पैनलिंग के डिजाइन शेयर कर दीजिए, तो कितना डिजाइन शेयर कर देते हैं आप? बहुत डिजाइन है अपने पास, बहुत है, बहुत है, बहुत अगर, बहुत बनाई है आपने तो शेयर कर दिए। जी जी। पर नहीं पसंद आया उनको, वो कहते हैं मेरे को पास मेरा अपना डिजाइन है। बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। क्या खर्चा आता है इसका? देखो अगर आप खर्चे की बात की जाए, इसमें खर्चा आता है 600 रुपए स्क्वायर फीट, उसमें माल सब कुछ हमारा रहेगा, फैब्रिक माल सब कुछ हमारा, ठीक है ना। इसकी हम बात करें 600 रुपए रहेगा, ठीक है, विद फैब्रिक। अगर कोई कहता है डिस्काउंट कोई मांगता है तो डिस्काउंट फिर हम वही बात करेंगे, वीडियो से जो भी आता है उसके लिए 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। लगभग जाएंगे हम तो 550-540 में हम कर लेंगे, ठीक है। तो सब कुछ दिखा दिया सर ने, एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको आपका फर्नीचर 48 आवर्स में रेडी मिल जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना मिला तो आपको 50% सीधा ऑफ है, जितने मर्जी का आपका बिल हो, सीधा डिस्काउंट। पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दी जो कि यहाँ के बहुत से स्टोर को सप्लाई देते हैं, जिनकी वीडियोस यूट्यूब पर आती है उनको ये सप्लाई देते हैं, उनको ये माल देते हैं, और वही लोग फिर अपने चैनल पर दिखा के थोड़ा इससे ऊपर का बेचते हैं। बिल्कुल बेचते। और क्वालिटी जैसे आपने बताया कि सप्लाई की क्वालिटी अलग, जो बताया वही है, रिटेल की क्वालिटी आपकी अच्छी हो रही है, अपनी अलग रहती है ना। तो अगर आप एक अच्छा फर्नीचर लेना चाहते हैं और एक अच्छे प्राइस में, मैं बार बार कहता हूँ कि 45,000-50,000 हर कोई नहीं खर्च पाता, तो उनके लिए ये बेड होते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हर किसी का इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो उनके लिए ये भी अच्छा है। प्लाईकटिंग प्लाई से अच्छा नहीं है पर हाँ अच्छा है, प्लाईकटिंग है। इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ अगर आप देखा जाए तो इसकी लाइफ अगर पानी वगैरह में ना इस्तेमाल हो कहीं पे, तो इसकी लाइफ 10 साल तो हम लोग देते हैं, नहीं तो 15-20 साल भी चल जाती है, ठीक है। मैंने सन 2006 में बहुत सारे बेड बना के दिए जिनमें अब तक के कोई कंप्लेन नहीं आई है, ठीक है। तो वही बात है कि एक कम प्राइस में एक अच्छा बेड जो कि आपको 15-20 साल हंस के चलेगा, लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए। और इनमें तो कुछ पसंद आया जिसका आपने प्राइस ना बताया तो सर को प्लीज़ स्क्रीनशॉट भेजिए, सर उसका प्राइस शेयर करेंगे। उसमें भी कुछ समझ नहीं आया तो सर आपको अपनी एक पूरी PDF शेयर करेंगे विद प्राइजेस, बिल्कुल है ना। तब भी एक ऑप्शन है कि नहीं पसंद आता, खुद की फैक्ट्री है तो जैसा बोलेंगे वैसा बन जाएगा। एक और बात बताऊँगा पुनीत भैया, ये आधे घंटे की वीडियो सब लोग देख पाते हैं, अगर मैं सारी चीज़ें कवर करता, आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए, बहुत माल रखा हुआ है, हम ये सब कवर नहीं कर सकते वीडियो में, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कोई भी किसी भी तरह का डिज़ाइन होगा हम आपको शेयर करेंगे, या आपका अपना भी डिज़ाइन है कोई, हम वो भी आपको 48 घंटे में ही बना के दे देंगे, ठीक है। 48 घंटे बना के दे देंगे। जी जी ठीक है, अब करते हैं वीडियो को फिर ख़त्म। एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कहीं से भी फर्नीचर लीजिए, प्लीज़ एक बार लिखवा लीजिए कि आपको आपके बेड में ये मिल रहा है और ये बताया गया है। जी, बस जी। तो धन्यवाद सर, ओके थैंक यू, मुझे अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने आज जैसे देखा कि आपको एक फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर डायरेक्ट फैक्ट्री से फैक्ट्री प्राइस पर मिल रहा है, और साथ ही मिल रहा है NL फर्नीचर्स का सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।